हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बच्चे लोग? गुड आफ्टरनून। ओके, बाकी दो सभी स्टूडेंट क्या गुड आफ्टरनून वगैरह कुछ मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। गुड आफ्टरनून सर। ओके ठीक है। व्हाट वी हैव स्टडी यस्टरडे, टेल मी सम सेंटेंसेस। रिपीट नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक सब सेंटेंस बताओ। चलो, कल हमने क्या स्टडी की थी? इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, इलेक्ट्रिक चार्ज। और फिर प्रोटॉन, यस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यस, इट हैज। ओके, वेरी गुड। और कुछ? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अटैक। तुम्हारी आवाज बेटे कम आ रही है, थोड़ा माइक नजदीक या फिर मोबाइल नजदीक रखो। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो और कुछ? और कुछ याद है किसी को? इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं। यस, वी कैन डिटेक्ट चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्कोप। इट्स बेसिक इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट वेर देयर इज अ चार्ज इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर फर्दर सम बेसिक। फॉर दैट लेट्स आई शेयर अ वाइड स्क्रीन विद यू। आई थिंक इज इट विजिबल टू यू? Am I right? White screen बेटा आप सभी को दिख रही है? Yes. Okay. कल के session में यदि कोई आपको doubt वगैरह कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। कोई भी कुछ भी doubt हो तो आप पूछ सकते हो बेटा कल के session में। Yes or no? No. Okay. Now see, let's go further. Since yesterday we have studied about the charge, what is the charge, so many things. Now, one more thing. There are three types of material mainly. Types of material. But we are only talking about these two now. First one is conductors, and second is insulators. Third one is also there, but we are not talking about it. There will be last chapter number 14 about this semiconductors. Okay, this chapter सेमीकंडक्टर्स वगैरह सब कुछ हम 14 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 उसमें हम डिटेल्स से स्टडी करने वाले। बट वी आर नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टू मटेरियल, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ सी, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स, यस और नो? ऑल मेटल्स, इंसुलेटर्स ग्लास, वुड, वूलन and so many things, ceramics, so many things. Now what happened in metal and what happened in insulators, what happened in conductors, hum kisko bolenge? Suppose we have one component, suppose this is one component, we don't know, it is arbitrary. चलो, हमें पता नहीं है कि इंसुलेटर से या फिर कंडक्टर से थोड़ा कुछ न्यूसेंस रहेगा, बाजू के मकान में थोड़ा कुछ कट ऑफ वगैरह कुछ कर रहा है, तो मैं थोड़ी आवाज तो आज ज्यादा रखूंगा। वी डोंट नो विच मटेरियल इज दिस। ओके, नाउ इफ यू आर गिविंग सम एक्स्ट्रा चार्ज आउटर साइड, यू आर गिविंग सम चार्ज ऑन इट। सपोज इलेक्ट्रॉन 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 आर गिविंग ऑन दिस मटेरियल। इफ द ऑल चार्जेस आर एक्युमुलेटेड वन प्लेस, ओनली वन प्लेस, दैट मीन्स it is not distributed over the all the materials, then this type of material as are known as insulators. And if you are giving the charges on this material, suppose this is the material, we don't know, we are taking a randomly any material, and you are giving some external charges, electrons, you can also give a protons, but we are just choosing is an electrons. And if it distributed over all the materials,
then this type of materials are known as conductors. Why it is so? Because of, we are know very well, then electron can move from one place to another place. But we are also know that the ions in materials cannot move. देखो लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं. आयंस कैन नेवर मूव. सपोज एनी एग्जांपल, सपोज वी आर टेकिंग अ एल्यूमिनियम एटम हम ले रहे हैं, तो एल्यूमिनियम एटम के आउटर सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कर रहे हैं उनमें से आउटर सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स कैन गो आउटर साइड, बट द होल द एटम ऑफ एल्यूमिनियम कैन नॉट मूव इन अ मेटल सरफेस. एम आई राइट? यस और नो? Yes. Hello. Another example, Didu. Chalo sodium. Yes, I am talking second time. Suppose the sodium. Sodium ka electronic structure, you know very well. 1s2. 1s2, 2s2. 3p. 1s2, 2s2, 2p6. केमिस्ट्री में शायद आप पढ़ चुके होंगे. 2p6. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा बेटा? 11, है ना? सो देखो 2, 4, 6, 10 and 11. तो देखो फर्स्ट सेल इज टोटली फिल्ड, सेकंड सेल इज टोटली फिल्ड, बट सी थर्ड सेल में देखो ओनली वन इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आउटर साइड यदि देखना चाहे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा 3s में, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बचा वो बाहर जा सकता है. ठीक है, ये पूरा का पूरा सोडियम के 2 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव. ओके, सो वी कैन से दैट इज इफ द वन इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम this atom, this the remaining portion is known as by ion. Yes or no? कोई भी material हो उनमें से एक electron दो electron चला जाएगा तो उसको हम ion बोलेंगे. चलो उसमें ion है कि electron की उसमें deficiency. So we are know that only electrons can move on surface. Electrons can move on surface. Ion cannot move on any surface. देखो हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, नाइदर गैस और नाइदर लिक्विड. तो देखो यदि एक ही जगह पे एक्युमुलेट हो गए सारे के सारे तो उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स. देखो इसके एग्जांपल में बता दूं कि हमारे पास वॉर्म, घर में हमारे पास कॉम्ब होता है. ठीक है, तो कॉम्ब में यदि आप अपने हेयर पे या फिर कोई ऐसा मटेरियल उसमें आप ऐसे थोड़ा कुछ भी उसमें टच कराओगे वैसे करोगे तो एक जगह के आपको को एक जगह पे आप जब उसको टच कराओगे पेजिस को तो अट्रैक्ट होगा, यानी कि एक जगह पे चार्ज एक्युमुलेट हुए वो मूव नहीं हो सकते. उसकी जगह पर मेटल की स्टील रखो और वैसा कुछ करोगे तो कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मेटल में जितना भी चार्ज इंड्यूस हुआ वो सारी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपके हाथ हाथ को टच होने के बाद वो अर्थिंग हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स. सो उसमें ऐसा नहीं हो सकता. सो दिस इज द बेसिक. इसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आ सकते, लेकिन आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि बेसिकली मटेरियल्स 3 टाइप्स के होते हो. इसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बेसिकली वेल नोन सारे जगह. सेमीकंडक्टर के बारे में अभी हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए तो पूरा चैप्टर दिया हुआ है. ठीक है, स्क्रीनशॉट जब भी आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बारे में मत चिंता करना. सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पेज. चलो इनमें कोई बेटा डाउट वगैरह कुछ है? No, sir. Okay. So basically materials के types कितने होते हैं वो सब क्या है वो हमने देखा. Now see how to get a charge या फिर how to conduct या फिर कोई भी material में charge कैसे induce करे वो हमारा question है. कि चलो कल मैंने basic example आपको बताया था और एक extra example भी मैंने आपको बताया था कि चलो आप अपने घर पे experiment करना. किसी ने perform किया experiment chair वाला या फिर भूल गए? भूल गए. हेलो, किया किसी ने कि नहीं? नो, भूल गए ना. चलो आज फिर एक और मौका दे, चांस दे रहा हूं. ठीक है, आज भी एक चांस कर लो. मैंने जो बताया एक्सपेरिमेंट घर पे करो, होता है कि क्या ऑब्जर्व होता है वो भी आप देखो.
ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट टॉपिक. वन मोर थिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, न्यू टॉपिक. इंडक्शन. देखो इंडक्शन वर्ड्स बाय द इंड्यूस, टू इंड्यूस, इंड्यूस वर्ड से आया हुआ है इंडक्शन. यानी कि इंडक्शन की प्रोसेस से हम चार्जिंग करेंगे, यानी कि चार्ज एक्युमुलेट करेंगे, चार्ज रिमूव करेंगे, वो सब हम करेंगे. ठीक है, जस्ट लेट्स आई गिव जस्ट एग्जांपल. सपोज वी हैव टू स्फीयर, मेटालिक स्फीयर आर देयर. लेट्स आई एम टेकिंग टू स्फीयर, डिफरेंट कलर स्फीयर टू. सपोज दिस इज वन स्फीयर एंड देखो नियरली इक्वल साइज के हैं और इन दोनों को हम सॉरी लेट्स टेक अनदर कलर. वैसे तो लॉलीपॉप रखता होगा लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है. ठीक है, खाने की मत सोचना. देखो ये जो ब्लैक कलर की मैंने लाइन बना वो इंसुलेटर से, और ये दोनों जो मैंने मेटेलिक बॉब लिए वो दोनों के दोनों बॉब या फिर स्फीयर वो मेटेलिक है. चलो इतना क्लियर. यस पक्का ना. लेट्स गिव सम नेम टू दिस बोथ. लेट्स से ए एंड बी. ओके, now how to induce a charge. Suppose if you are taking another rod with negative charge, suppose we have a negative charge, isme negative charge, theek hai, aur ye jo hamare two sphere the us sphere ke nazdik hum le jate hain, ये फर्स्ट एंड द सेकंड. ड्रॉ करने में थोड़ा वक्त गुजरेगा लेकिन कलरफुल अच्छा रहेगा. ये अब स्ट्रेट नहीं रहेगा तो चलेगा, ये जस्ट स्टैंड है. चलो ठीक है. हेलो, चलो यदि हम ये नेगेटिवली चार्ज रखेंगे तो क्या हो जाएगा. फ्रॉम द ए स्फीयर एंड फ्रॉम द बी स्फीयर व्हाट हैपन, ऑल द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ए विल बी रिपेल एंड इट विल कम टू दिस सरफेस एंड हियर ओनली पॉजिटिवली विल बी रिमेनिंग. देखो पॉजिटिवली मूव होके यहाँ आए नहीं है, लेकिन इनमें से पहले देखो कोई भी स्फीयर होता है तो देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा स्फीयर बना होता है. देखो कोई भी पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होके सरफेस है लेकिन इनसे बाहर नहीं चला गया. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो आउटसाइड विदाउट गिव एनी एक्स्ट्रा एनर्जी. एक्स्ट्रा एनर्जी दिए बिना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते. जैसे मैं एग्जाम्पल दू के क्लासरूम में जब कोई टीचर सर नहीं होते तो स्टूडेंट कैन मूव फ्रॉम वन बेंचेस टू अनदर बेंचेस, बट बेंचेस कैन नॉट मूव. है ना, ज्यादा एनर्जी कोई बोलता है ना कि चलो बेंचेस को ले जाओ वगैरह, तब तक बेंचेस नहीं जा सकते, जस्ट स्टूडेंट कैन मूव. सो सी हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टूडेंट एंड प्लस पॉजिटिव चार्ज आज द बेंचिस. चलो क्लियर, यस और नो. ओके, तो सिमिलरली सी हियर इफ वी कीप negatively charged rod to near to A, what happen here, negative negative here, so there will be attract will be there. देखो मैंने contact में नहीं रखा, एक दूसरे के नजदीक रखा है. First में मैं contact में था तो एक दूसरे का आ गए, यहाँ पे negative 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 negative. चलो ये तो मैंने क्या किया,
कि नेगेटिवली रोड्स में यहाँ पे लाया इसलिए, ठीक है। अब देखो इसको मैं यदि ग्राउंड कर दू, ग्राउंड कर दू तो क्या होगा बेटा, टोटली नेगेटिव चार्ज विल बी गोज टू द नेगेटिव ग्राउंड साइड, सो ओनली रिमेनिंग इन बी इज ओनली पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, चलो पता चला बेटा, यस और नो? यस। नेगेटिव सारे तो ग्राउंड पे अर्थ पे चले जाएंगे, इसको अर्थिंग बोलते हैं, और अर्थिंग के लिए सिंबल है, देखो घर की छत पे आपने देखा होगा, हाई राइज बिल्डिंग पे भी, मोबाइल टावर पे भी आपने देखा होगा, मेटलिक पे रोड लगा देते हैं ताकि अर्थिंग कर सके, एक्स्ट्रा कुछ भी हो तो ग्राउंड में चला जाए। ओके, यस और नो? ओके। तो कैसे इंड्यूस हुआ चार्ज वो पता चला बेटा, तो इसमें पॉजिटिव हो रहा, ठीक है, तो इसमें सिर्फ कैसे रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज ही रहेंगे, पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टू हियर। चलो वन मोर थिंग, चलो ये तो मैंने नेगेटिवली चार्ज लाया, यदि मैं पॉजिटिवली लाया होता तो, वन मोर थिंग, बड़े ध्यान से सुनना, चलो इसमें पॉजिटिवली चार्ज रोड है, मैं कह सकते से भी मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज ले आए, वी डोंट नो अबाउट, उसकी केयर मत करो कि चलो कहां से आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर से दोनों स्पीयर ले आओ, दिस इज स्पीयर ए एंड दिस इज द स्पीयर बी, so what happened, you can see very well here negative, all the negative charge attract towards here, here positive will be there, negative will be there, and here positive charge remaining here, why, because jaise maine pehle bataya tha yahan negative le to yahan positive 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 rahega, yahan fir se negative negative negative, now this will be equivalent to each other, so it will be cancel out its effect. Now, these both are separated from each other. Now, if we ground this one. Okay, so what happened? Kya hoga beta? Ground kar dege to electrons to sare ke sare electrons chale jayenge. So, fir we obtain here only negatively charged sphere. And this one is only remaining. Is only remaining positively charged. Okay. Okay. Yes or no? This is A. This is B. This is A. This is B. Similarly, here B. Here A is there. Chalo, clear? Yes. पता चल गया बेटा charging by induction कैसे करते हैं? यानी कि हम simple technique से चार्ज कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे भी देखो कोई भी मटेरियल हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज ऑलवेज होता है, सो इट ऑलवेज शुड बी न्यूट्रल। देखो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, फर्स्ट फिगर में देखो इसमें चार्ज तो था ही, इसमें चार्ज था ही पहले से, और इसमें भी चार्ज था ऑलरेडी, लेकिन न्यूट्रल थे, जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव उतने थे। वेन एवर वी आर टेकिंग अ रोड्स नियर टू द ए, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, what happen from the A sphere, if the road is negatively charged, then positive ion remaining near to it attracted towards it, and the negative charge will be repelled and goes to the other side. If we are taking the next another ball B or Bob B, what happen, this will be, I shown you a figure, likewise we induce in both the side. In textbook only one positive charge is given, negatively charge is not given, but I have shown you both. Clear? And how it is move, I have shown you. Okay, beta? Charging by induction, kaise hota hai pata chal gaya beta? Yes or no? Hai na? Yes. Aur chalo, main aapko ek example batau ki aapke paas koi ek metallic sphere hai, koi bhi. Usko aapko positively charge karna hai, to aap kya karenge? Let's go on next page. Suppose you have one sphere
Okay, and one support is there. Suppose this is the metallic sphere, metal. My question is that how to induce positive charge in given metallic sphere. चलो बेटा मेटेलिक स्फीयर में कैसे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं कोई बताएगा मुझे? नेगेटिव रोड यस वेरी गुड है ना, हम क्या करेंगे? नेगेटिव रोड विल कीप नियर टू दिस वन, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इज देयर, सो व्हाट हैपन, सो व्हाट हैपन, पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट साइड पॉजिटिव इन स्फीयर, फिर एंड राइट साइड नेगेटिव, यस हियर पॉजिटिव पॉजिटिव वर्किंग, यस पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव 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 नेगेटिव. ओके नाउ डू द अर्थिंग. सो नेगेटिव ऑल द चार्ज विल बी ग्राउंडेड, सो व्हाट हैपन, इट ऑल द चार्जेस विल बी only remaining here positive 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 and root is still there negatively charged. Okay, now whenever they remove this root, what happen, kya rahega, sirf positively charged will be equal distributed. Dekho positively move nahi hoge ek jagah se dusri jagah, lekin electrons jo kuch bhi bache wo equally distributed हो जाए. वैसा नहीं कि 100% electrons can grounded, वैसा possible नहीं होता कि चलो 100% electrons ground हो गए, नहीं. इसके पास जो extra excess ज्यादा electron थे जो भी remove हुए तो वो सब चले जाएंगे. तो फिर देखो only positively charged फिर हमारे पास बचा. वैसे ही similar हम negative के लिए भी कर सकते हैं. Okay? Yes or no? Yes. Okay, so this is your example number one textbook में. ये आपका example है, आप ऐसे explain कर सकते हैं. Done? इनमें कोई doubt बेटा, charging by induction कैसे करते हैं, इनमें से कोई भी MCQs वगैरह कुछ भी आए, कोई भी exam में आए, तो आप easily explain कर सकते हो कि कैसे हो सकता है. इनमें कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए बेटा. हाँ बोलो. नो नो डाउट. ओके वेरी गुड. नाउ लेट्स गो, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. हम जो भी चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखेंगे. Some basic properties are there. Charge के लिए basic properties क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है. आपको mathematics थोड़ा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स yes. में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ बेसिक पता है कि नहीं? यस और नो? यस ऑलवेज. प्राइमरी में पढ़ चुके हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं. उसकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसकी एक प्रॉपर्टी एडिक्टिविटी है उसकी. सो एडिक्टिविटी
of charges. Suppose you have so many charges. Suppose Q1 charge is equal to plus Q, Q2 is equal to minus 2Q, Q3 is equal to plus 3Q, Q4 is equal to, let's say, minus 1Q. This all charges are there. चलो अब हम सारे के सारे चार्जेस को एक्यूमुलेट एक ही कंपोनेंट में या फिर एक ही मटेरियल में एक्यूमुलेट कर रहे हैं. सो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? सो टोटल चार्ज विल बी जस्ट इट्स एडिटिविटी. हाउ इट इज एड? सो क्यू इज इक्वल टू लेट्स से क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, जितने भी चार्जेस है, प्लस क्यू फोर, सो ऑन. ज्यादा होते तो ज्यादा. ओके, लेट्स पुट द ऑल दिस वैल्यू. क्यू वन इज इक्वल टू प्लस क्यू, Q2 is equal to minus 2Q, Q3 is equal to plus 3Q, Q4 is equal to minus 1Q. तो देखो कितना हो रहा है, कितना होगा remaining Q and minus 2. So minus Q plus 2Q plus 2Q, 2Q minus minus 1Q गया, तो कितना बचेगा? Just plus Q. तो total charge कितना होगा? QT, total charge, Q total. तो देखो इसकी एक एडिक्टिविटी प्रॉपर्टीज है. और देखो जितने भी चार्ज है, हमने सिमिलर जस्ट एग्जांपल के लिए जस्ट फोर चार्जेस ही लिए, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस आप ले लेते तो यही होता. और सभी चार्जेस के वैल्यू होते प्लस वन टू थ्री फोर, जितना भी होता. और आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आया कि नहीं? ये मैंने जो लिखा उनसे आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आपने पूछा नहीं, वो तो बताओ. बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन आया हो तो. देखो मैंने जितने भी चार्जेस लिए वो इंटीग्रल है. देखा आपने Q, 2Q, 3Q, माइनस 1Q, यही कहीं पे मैंने ऐसा कहीं लिखा है कि चलो भाई 1.5Q या फिर रूट टू क्यू, वैसा कहीं पे लिखा है? नो नो. सो दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाई? सो इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इट. देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी? दैट इज द क्वांटाइजेशन. उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटम वर्ड से आया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज द क्वांटाइजेशन? यानी कि नेचर में जितना भी चार्ज है, प्रैक्टिकली साइंटिस्टों ने रिसर्च किया हुआ कि जितने भी चार्जेस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोजॉन्स, हाइपरॉन्स, कितने भी चार्जेस, जो भी चार्ज लिया जाए, वो सभी चार्ज कोई यूनिट चार्ज के मल्टीप्लीकेशन में ही होते हैं. जितने भी चार्ज लिए जाए वो सारे के सारे, जितने भी चार्ज ले जाए वो किसी भी कोई एक यूनिट चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, इट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट in nature all the charges are the integral multiples of यूनिट चार्ज. ओके, ठीक है. एंड दैट इज बेसिक यूनिट चार्ज इज स्मॉल ई.
स्मॉल ई, तो कई बार आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम ई लिख रहे हैं, प्रोटॉन के लिए ई लिख रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस ई वगैरह सब कुछ है। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो Q इज इक्वल टू हम लिखेंगे N into E। देखो Q इज द चार्ज, N इज द इंटीग्रल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 ऑलवेज वही होता है, एंड E इज द चार्ज, इट इज द बेसिक यूनिट चार्ज। चलो पता चला बेटा, यस और नो? So this is the quantization. देखो this is the quantization. Why quantization? Just एक आपको simple example बता दूं। आपके घर में सीढ़ी होगी, ladders, है ना? Yes or no? Yes. तो देखो आप सीढ़ी में चढ़ते हो या फिर ladders में चढ़ते हो, तो always आप first step पे, second step पे, third step पे, fourth step पे पैर रख के ही जा सकते हैं। वैसा possible नहीं है कि चलो आपने पहले step पे पैर रखा फिर 1.5 स्टेप पे आपने पैर रखा, वैसा पॉसिबल हो सकता है कभी? नो नो। व्हाई? बिकॉज वॉकिंग इज ओनली पॉसिबल वाय सम इंटीग्रल नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि आपको चलना है तो आप पहले स्टेप पे पैर रखो, दूसरे स्टेप पे, या फिर पहले से तीसरे पे रखो तो पॉसिबल है। वैसे नहीं कि चलो मैं चलते चलते एक बार रखा और बाद में, टीवी सीरियल की बात अलग है, चाइनीज वॉकिंग की बात अलग है, चलो पैर हवा में रखते 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 फिर दूसरा पैर वहां, वो मूवीज बॉलीवुड्स की बात दूसरी है ना। लेकिन प्रैक्टिकल में देखो तो फर्स्ट स्टेप में आपने पैर रखा, फिर दूसरे या फिर तीसरे या फिर चौथे, कोई भी, वैसा नहीं कि चलो एक पैर आपने हवा में रखा फिर दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं पॉसिबल। सिमिलरली चार्ज कोई भी नंबर पे, एन इक्वल टू आप 1, 2, 3, 4 वो ही ले सकते हो, इंटीजर नंबर ही ले सकते हो, एंड ऑलवेज इट इज द बेसिक यूनिट चार्ज के मल्टीपल में होता है। तो आपको पता होना है, चलो भाई ई एन इज इक्वल टू व्हाट, वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन, ओनली इंटीजर नंबर, ठीक है? यस और नो? यस। इतना पता चला बेटा? यस। नाउ व्हाट इज द ई, वो क्वेश्चन आना चाहिए सर, तो ई क्या है? तो देखो वो जो बेसिक चार्ज है प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन, लेट्स यूज अनदर कर, फॉर प्रोटॉन ई इज इक्वल टू प्लस ई, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन E is equal to minus E. Now you have to one question in your mind, sir, what is the value of E? So let's, I'm telling you, E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is the C unit, coulomb. जैसे length का unit meter होता है, वैसे charge का unit हुआ coulomb. क्या हुआ बेटा? Coulomb scientist की याद में आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 90 कूलम, पूरा का पूरा लिख दो कूलम, ठीक है? यस और नो? तो फिर 4 प्रोटॉन ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम, एंड 4 इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम। देखो इतना बेसिक डिफरेंस हुआ, सिर्फ साइन चेंज हुई, देखो 1.6 वैल्यूज आर सेम। ओके ओके, यहां तक पता चल गया सभी स्टूडेंट को? यस और नो? Yes. ये जो कूलम जो मैंने लिखा वो ऐसा यूनिट के द्वारा दिया गया है, वैसा नहीं कि चलो मैंने मेरे पॉकेट में से डाल के आपको बता दिया है कूलम, वो ऐसा यूनिट्स में दिया है। ऐसा यूनिट में आपको पता होगा करंट के लिए एम्पियर है, एक सेकंड में यदि एक एम्पियर करंट पास आउट होता है तो उसके अकॉर्डिंग टू चार्ज 1 कूलम होता है। देखो इफ आई इज इक्वल टू 1 कूलम
1 ampere and t is equal to taking a 1 second. At that time e is equal to 1 coulomb. Chalo pata chala, yes or no? Yes. Because of I is equal to E by T, या फिर Q by T, because of Q equal to E, so Q by T. Remember this. इतना पता चल गया आपको सभी को. And see, this coulomb is sometimes too large unit, so we are using sometimes माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम, है ना, ये यूनिट भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, यस और नो? और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, चलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 coulomb चार्ज. चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, कौन बताएगा? चार्ज कितना है, चार्ज कितना है? 1 coulomb, है ना? Yes. यानी कि Q इक्वल टू वी नो n इंटू E, तो हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. So n is equal to q by e. q कितना है चार्ज? 1 coulomb. So 1. e चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 90. We are taking a values. Okay, तो कितना हो जाएगा, चलो बताओ. 10 raised to minus 90 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. So 10 raised to 19. So 1 divide by 1.6 कितना हो रहा है, जल्दी से बताओ. कैलकुलेटर रखना. सॉरी, 0.625. ओके, 0.625. सो नियरली, सो नियरली 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देखो, पता चला, 1 coulomb चार्ज हो जब हमारे पास, चार्ज कितना हो? 1 coulomb. 1 coulomb चार्ज हो तो उसके अकॉर्डिंग टू कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो तभी हमें 1 coulomb चार्ज मिलता है. ऐसा कोई भी एमसीक्यूज आए तो आपको सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है? तो मैंने जस्ट कितना बताया, 1 coulomb, बाकी कोई भी कूलम्ब हो जाए, 2, 5, 3, 6, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स कितने हो वो आप लिख सकते हो. चलो, यहां तक क्लियर? Yes. Okay. So let's start taking of water. आपको जॉक्स बॉक्स सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? Yes. तो कभी सुनाओ हमें भी. पहले आप सुनाओ तो मैं भी सुनाऊंगा. ऐसे बोलना, सर रुको रुको रुको, मैं एक जॉक्स बता रहा हूँ. फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते मत बोलना मोबाइल में से. चलो, नेचुरली हम ऐसे ही नेचुरली स्टडी करेंगे. वैसे नहीं कि चलो भाई साइंस है सो हार्ड है, फिजिक्स है, नहीं, नेचुरली पढ़ो और इजीली पढ़ो. ओके, ओके, यस. माइक्रो कूलम होता तो क्या होता है, 10⁻⁶ कूलम वगैरह 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 सब कुछ हो सकता है. इनमें वगैरह कुछ डाउट हो तो बताओ. है कुछ डाउट यहां तक? ना, नहीं ना. सो लेट्स गो द नेक्स्ट. फर्स्ट फोर इन ट्वेल्थ यू हैव फर्स्ट लो, कूलम्स लो.
चलो हम क्या देख रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? कूलम्स लॉ। किसका लॉ है बेटा? कूलम्स लॉ। ओके, यू आर नो ग्रेविटेशनल लॉ? यस। ओके, ग्रेविटेशनल, क्या था ग्रेविटेशनल लॉ, कोई मुझे याद दिलाएगा? ग्रेविटेशनल लॉ क्या था? पहले ये आंसर बताओ, ग्रेविटेशनल लॉ का किसके लिए था? या फिर अनदर क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल लॉ का इक्वेशन बता दो। चलो पहले इक्वेशन बता दो। चलो ग्रेविटेशन लॉ का यदि याद होगा, 11th का चैप्टर नंबर 8 में आया हुआ था और 9th-10th में भी आया था। F इज इक्वल टू, इफ यू नो, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वेयर, यस और नो? और ये लो फोर मास, मास के लिए था, हाँ कि नहीं? आपके पास टू सेपरेटेड मास हो, चलो एम वन एंड एम टू, एंड इट इज सेपरेटेड बाय द आर, डिस्टेंस आर, देन द फोर्स ऑन ईच अदर इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, एंड जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एम आई राइट? यस। ओके, तो सिमिलरली कूलम्स लॉ इज फॉर चार्ज, इट इज फॉर द चार्ज। ओके, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ एफ जी लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा, चलो भाई ये ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ सी इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे टू मासिस थे तो हम यहाँ लेते हैं टू चार्जेस, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज, लेट्स से फर्स्ट वन इज क्यू वन एंड सेकंड वन इज क्यू टू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज आर, सो एफ सी इज इक्वल टू, चलो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते थे, एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, एंड एफ जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, वैसा हम लिखते थे। तो सेम सिमिलरली वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर, ओ ओके, सो एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू, चलो इतना क्लियर, फिर से लिख रहा हूं, एफ सी फॉर कोलंबियन, फॉर सी एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू, सिमिलरली एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वेयर, सो इफ यू रिमूविंग the proportionality constant we obtain some constant, so fc is equal to, and the constant is let's say to be k q1 q2 by r square, chalo coulomb's law pata chala aapko, yes or no? yes simple, jaisa gravitational law tha waise, isliye maine pehle gravitational law likha, and gravitational law is always attractive, is always attractive, but this force is attractive or repulsive, वो depend कर रहा है charges पे, कि charges कैसे है, दोनों positive है, दोनों नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, उन पे डिपेंड कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कुछ भी है, सो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, चलो इतना क्लियर। देखो मैंने कंपैरिजन करके बताया ताकि आपको पता चले एक ही टाइम, दिस इज द अवर कूलम्स लॉ, दिस इज द ग्रेविटेशनल लॉ, ओके, यहां तक इनमें कुछ डाउट बेटा कूलम्स लॉ में? यस नो कुछ बताओ? नो।
So let's go next page, where K is equal to 9 into 10 raised to 9. Yaad rakhiga beta. ठीक है, K is equal to 9 into 10 raised to 9. चलो इसका यूनिट क्या होगा, चलो वो बताओ सोच के. यदि आप नहीं फाइंड कर सकते तो सिंपल करो. चलो F कैसे फाइंड करते हैं, फिर से मैं लिख रहा हूं, देखो इसको मैं बाद में लिखता हूं. लेट्स गो डाउनवर्ड्स. चलो FC into R square is equal to K by Q1 Q2. ऐसे लिख सकते हैं हम? Yes or no? Yes. हमने K को subject कर दिया इसलिए. देखो इनसे आप यूनिट बना सकते हो सिंपल. कैसे बनाओगे? चलो तो F यानी कि मेजर करते हो आप न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में यानी कि मीटर स्क्वायर, चार्ज यानी कि कूलम में, कूलम इनटू कूलम, सो कूलम स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट फॉर के यूनिट. चलो पता चल गया, यस और नो? तो आप यहां पे लिख दो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. ओके, और डायमेंशनली प्रूव करने के लिए 11th में एक सम था एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 2 में देख लेना, 11th की टेक्स्ट बुक में ये प्रूव करने के लिए था, लेकिन यहां पे हमने सॉल्व करके दिखा दिया. ओके बच्चे लोग, ओके पक्का ना? यस यस, वेरी गुड. तो इफ सॉरी चार्ज Q1 is equal to Q2 is equal to, let's say, taking 1 coulomb, distance R is taking 1 meter, K is taking, let's say, 1 unit le rahe, then at that time FC is obtained as a 1 newton. Chalo, clear? सब कुछ 1 1 1 ले रहे हैं तो हमें 1 ही मिलेगा ना. इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो सारी, आपको पता चल जाएगा. तो आपको उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आप बताओगे 1 न्यूटन. क्लियर इतना? एक एक लाइन पे मैं पूछ रहा हूं सभी को. नाउ सी रिमेंबर फॉर टुडेज सेशन लास्ट, रिमेंबर दिस. Sometimes K is replaced by, chalo, K is equal to 1/4πε0, where aapke liye first time hai, epsilon naught is the permittivity. ये क्या हुआ सर? परमिटिविटी बता रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ स्पेस. मीडियम होता तो एप्सिलॉन ओनली होता और उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, 8.854 × 10⁻¹². इसका यूनिट क्या होगा, जो के का था उसका रेसिप्रोकल यानी कि कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर. चलो क्लियर? सो द फाइनली कोलंबियन स्लो वी कैन ऑल्सो राइट एफ सी इज इक्वल टू के की जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2. इन मोड लिखते हैं, मोड में इसलिए लिखते हैं कई बार पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, या फिर ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगा. चलो क्लियर? कूलम्स लो, यस एवरीवन, यस ओके, याद रखना. नाउ व्हाट इज परमिटिविटी? सो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. सपोज एग्जांपल एक दे रहा हूं कि आपको वॉकिंग करना है. एक वॉकिंग आप सिंपली वॉकिंग करते हो तो आपके सामने से कोई
विंग कुछ भी ज्यादा जोर से नहीं आ रही है तो आप इजीली वॉक कर सकते हो, और ज्यादा और आपके सामने ज्यादा तीन चार बड़े बड़े फैन लगा दिए और अब आपको फास्ट आउट होना है तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी, और अब आपके सामने लिक्विड वाटर रख देते हैं तो आप वाटर में से पास आउट होना आपको इतना नहीं इजी रहेगा जितना पहले था, आपको टफ होगा। फिर जैसे भी मीडियम चेंज होता है तो आपके वॉकिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। सिमिलरली हियर टू चार्जेस के बिटवीन, सपोज वन चार्ज इज हियर, वन चार्ज इज हियर एंड अनदर चार्ज इज हियर, दो चार्जेस है आपके पास, इन दोनों में एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है तो इन बिटवीन जो मीडियम लगाया हुआ है उन पे डिपेंड कर रहा है, सो दैट इज द परमिटिविटी। ओके ओके, पता चल गया सभी को बेटा कि क्या है परमिटिविटी, है ना? चलो तो आज के लिए इतना बस, तो सेव कर लीजिएगा सब कुछ, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिए होंगे। सो लेट्स स्टॉप शेयर हियर। चलो आज के लिए इतना बस बेटा, इतना प्रिपेयर कर देना वेरी वेल, टेक्स्ट बुक में से इसके रिलेटेड टेक्स्ट बुक हो तो अंडरलाइन वगैरह कुछ कर देना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।